बीकानेर के सफाई कामगार वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वाल्मीकि समाज पर हरिजन शब्द का उपयोग को लेकर के और आपत्ति दर्ज की। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है जिनमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना शर्त माफी मांगे। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हरिजन शब्द जो कि प्रतिबंधित है उसका उपयोग किया जाना सर्वथा अनुचित है। दिखा दें हम आपको इसके संपादित अन्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांगो माफी मांगो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांगो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांगो माफी मांगो मुख्यमंत्री गहलोत अशोक गहलोत माफी मांगो माफी मांगो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांगो माफी मांगो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांगो माफी मांगो मुख्यमंत्री गहलोत माफी मांगो माफी मांगो हरिजन सब पर रोक है। पूरा मामला क्या है, हमने ज्ञापन देने के बाद इनसे की बात। मामला है जी, कल अशोक गहलोत माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हरिजन सब जो उच्च न्यायालय ने जिस पर रोक लगा रखी है उसको कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये नगर निगम नगर पालिकाओं की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसमें खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए शब्द का इस्तेमाल किया हरिजन शब्द का, और वो भी सफाई कामगारों के लिए, जबकि सफाई कामगार हर समाज के बंदे करते हैं। और ये हरिजन शब्द जो है वो वाल्मीकि समाज को नीचा दिखाने के लिए यूज किया गया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री मुखिया प्रतिबंधित शब्द को खुलेआम बोल रहा है तो आम पब्लिक का बोलने में कौन रोकेगा। इस पर मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम उच्च न्यायालय से लेकर सभी प्रकार से आंदोलन करेंगे और न्यायालय का भी सहारा लेंगे।